उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के हंडिया में सेक्टर अध्यक्ष बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में हंडिया के प्रभारी वरिष्ठ बसपा नेता नरेंद्र त्रिपाठी उर्फ मुन्ना त्रिपाठी ने किया। बता दें कि मुन्ना त्रिपाठी द्वारा बसपा सेक्टर कार्यकर्ता व बसपा मीडिया प्रभारियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित कार्यक्रम में 41 सेक्टर कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ बसपा नेता मुन्ना त्रिपाठी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व लूट चरम सीमा पर है। आने वाले 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी में अन्य जात के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने बसपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया और कहा कि 2017 में जिस तरीके से हंडिया विधानसभा में बसपा की जीत हुई थी, उससे भी ज़्यादा 2022 में बसपा के खाते में हंडिया की सीट सुरक्षित रहेगी। बैठक में हंडिया प्रभारी मुन्ना त्रिपाठी ने सभी कार्यकर्ता व मीडिया प्रभारी का आभार व्यक्त करते हुए समस्त सेक्टर अध्यक्षों को बूथ को मजबूत करने को कहा। 9 दिसंबर को हंडिया मानसाल में एक दिवसीय साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर बातचीत की गई। बता दें कि जिसकी रूपरेखा कार्यकर्ताओं द्वारा तय की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अब की बार बसपा सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। 2022 में बसपा की सरकार बनाकर ही दम लेंगे। 2017 में भी गई थी, 2022 में तो जाने जाना है, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता है। इस जोर शोर से देख रहे हैं, ये अपने सारे लोग लगे हुए हैं। अब आप लोग हंडिया विधानसभा में घूम भी रहे होंगे, पता भी चल रहा होगा कि इस समय बहुजन समाज पार्टी दिन प्रतिदिन उसका क्रेज बढ़ता चला जा रहा है। और 2022 में बहन मायावती को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी जनता जोश खरोश में, पूरी जनता एकदम पूरे प्रदेश की लगी हुई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2022 में बहन मायावती को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने की पूरी जरूरत की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है। हंडिया कस्बा में बहुजन समाज पार्टी की एक आवश्यक बैठक जहां पर नरेंद्र त्रिपाठी उर्फ मुन्ना के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को साल देकर सम्मानित किया गया। कैमरा पर्सन इशरार अहमद के साथ मैं रोशनी हंडिया प्रयागराज।